हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आपका द पैसेज ऑफ रेसिपी, जहाँ हम कुकिंग को बनाते हैं बहुत ही सिंपल और इजी। तो आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। बहुत ही बनाना आसान है इसको, और हम व्रत में, जैसे कि आपको पता है नवरात्रे आने वाले हैं, व्रत में किसी भी व्रत में आराम से खा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक कप मैंने साबूदाना लिया है, जिसको हमें अच्छे से धोना है। 3 से 4 पानी में अच्छे से साबूदाने को धो लेंगे। बहुत अच्छे से धो लीजिए ताकि इसकी जो मिट्टी है या इसकी जो भी गंदगी होगी वो नीचे से, आप चाहें तो डायरेक्ट टैप के नीचे लगा कर और धो सकते हैं, लेकिन उससे पानी वेस्ट होता है, तो डोंट वेस्ट वाटर। इस तरह से आप धो लें। एक अलग से बर्तन में इसको हम पलट देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब आप पानी देखेंगे कि साबूदाना अच्छे से बराबर हो, बस थोड़ा सा एक लेयर देखें, मैं सारे दाने अच्छे से ढके हों, बस इतना ही पानी हमें इसमें डालना है। आप देख सकते हैं, और 5 से 6 घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए भिगो के। आप देखेंगे ये 5 घंटे पूरे हो गए हैं, मैं तब निकाला, कितने खिले खिले दाने दिख रहे, सुंदर। अब हमने तड़के के लिए लिया है जीरा, करी पत्ता, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर। इसमें ये सारे ऑप्शनल हैं, जो आपको पसंद हो डालें अगर आप व्रत में खाते हैं। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा घी लूँगी, जिसमें मैं मूंगफली के दाने अच्छे से भून लूँगी। मूंगफली के दानों का और साबूदाने का कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब होता है, तो आप साबूदाने की अगर कोई भी चीज़ बनाएं उसमें थोड़ा सा मूंगफली का चूरा डाल दें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए हमारे साबुत, इस तरह से हमारी मूँगफली भून गई है अच्छे से। थोड़ा ही ऑयल का इस्तेमाल करें, या मैंने देसी घी लिया है, आप जो ऑयल खाते हो या जो भी घी खाते हो व्रत में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम पलट लेंगे। फिर से मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, ये 1/2 टीस्पून तेल है, या घी बोल सकते हैं, सॉरी। और इसमें मैं कैश्यू नट भी, यानी कि काजू को भी अच्छे से भून लूँगी। काजू का क्या है, ये तवे पे दिखेगा कम हो रहा है, लेकिन जब किनारे रख देंगे इसको निकाल के तो ये अच्छा कलर दे देता है। अब मैं इसमें डालूँगी लगभग 1.5 टेबल स्पून घी। घी गर्म है हमारा। अब डालेंगे जीरा पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। करी पत्ता, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन करी पत्ता तो खाया जा सकता है व्रत में। और हरी मिर्च, आप जैसा तीखा चाहते हो आप उस हिसाब से अपने लिए हरी मिर्च डाल लें। आप चाहें तो लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन व्रत में हरी मिर्च अच्छी लगती है। और ये बहुत महीन कटा हुआ टमाटर, एक टमाटर मैंने लिया है। बाकी मैं इसमें कोई भी मसाले नहीं डालूंगी, बहुत ही सिंपल और सादी सी है। अब मैं डालूंगी सेंधा नमक। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उन्हें पता है कि हम जब घर नॉर्मल डेज में भी खाने में हम सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, तो व्रत में भी हम सेंधा ही नमक खाएंगे। और टमाटर को 2 से 3 मिनट के लिए ढककर मैं पकने रख दूंगी। 3 मिनट लगभग हो चुके हैं, आप देखेंगे टमाटर गलना शुरू हो गए हैं। और इसको मैं थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से इस तरह दबा लूँगी, आप देखेंगे टमाटर एकदम अच्छे से गल गया है हमारा। हाँ, इस समय जो गैस का फ्लेम रखना है, जब टमाटर पकने रखें तो मीडियम रखें, उसके हाई कर दें फ्लेम, नो इशू। अब डालेंगे साबूदाना, देखिए कितने सुंदर दाने लग रहे हैं, बिल्कुल भी पकाने का मन नहीं कर रहा है इनको। एकदम खिली खिली आपकी खिचड़ी बनेगी, कोई स्टिकी नहीं होगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए एक एक दाना कितना अलग है, और खिचड़ी पकने के बाद भी एकदम एक दूसरे से दाने चिपकेंगे नहीं, आप देखेंगे। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो जिन्हें हम फॉलो करें तो परफेक्ट रहता है। 6 से 7 मिनट में हम ढककर इसको पकाएंगे। नमक हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर में हमने डाला है, बीच बीच में इसको हिलाते रहें, मतलब जो ड्यूरेशन है 6 से 7 मिनट या 5 से 6 मिनट, जैसा साबूदाना आपका हो उस आप बीच में चलाते रहें। और लगभग ये 6.5 मिनट हो गए हैं, अब हम साबूदाना चेक करेंगे। आप देखिए कितने दाने खिले खिले दिख रहे हैं, और ये सारे दाने पके हुए हैं। मैं आपको भी चेक करके भी दिखाऊंगी कि अच्छे से मिला लेते हैं, क्या होगा जो नीचे गर्मी होगी वो ऊपर आके तो पूरा सा अलट पलट अच्छे से इसको स्टेयर कर ले। मैं आपको एक साबूदाना का दिखाती हूँ, साबूदाना किस अच्छे से पका है, देखिए कोई भी अंदर रवा नहीं रह गया है, अच्छे से पक गया है।
भुला के अब मैं डालूंगी इसमें जो हमने मूंगफली किया था उसको मैंने कूट लिया दर दरा। आप मिक्सी में जाए तो प्लस मोड में एक आध बार घुमा लें, मैंने तो ऐसे ही कूटा है। और काजू डाल देंगे और इनको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। अब डालेंगे लेमन जूस, ये पूरा एक नींबू का जूस है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और हरी धनिया थोड़ी सी, बस अच्छे से मिला देंगे। देखिए कितनी सुंदर खिचड़ी दिख रही है, कलर ग्रीन कलर रेड कलर उभर के आ रहे हैं। और देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, मुझे इसको स्टियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अब हम इसको सर्विंग बोल में लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर है और तैयार है हमारी गरम गरम साबूदाना खिचड़ी। आप इसको व्रत में बनाएं, ज़रूर खाएं। और मुझे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और कमेंट और सजेशन देना बिल्कुल भी ना भूलें। एंजॉय।